नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब चैनल दरभंगा लाइव न्यूज। खबरों के साथ मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूँ दरभंगा की आम खबरों के साथ। जिला स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी द्वारा। सीएम कॉलेज में सीएटीसी 15 कैंप का आयोजन। भाकपा माले के बहादुरपुर प्रखंड के कार्यकर्ता बैठक हुई संपन्न। संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान समिति की बैठक। मधुबनी में बेटियों को जन्म देने वाली 10 माताओं को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। जिला स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी, मंच संचालन सेवानिवृत्त शिक्षक राम बुजवान रमाकार ने किया। मंच पर विधायक संजय सराबगी, एमएलसी दिलीप चौधरी, प्रभारी डीएम सह डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, प्रभारी एनडीसी वसीम अहमद, डीपीओ सर्व शिक्षा संजय कुमार, जीव कन्हैया एवं डीपीआरओ सुशील कुमार शर्मा, खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित के द्वारा किया गया। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर नेहरू स्टेडियम परिसर में मिथिला पेंटिंग खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन आज मंगलवार को हुआ। वॉलीबॉल एवं खो खो दोनों खेल में बालक एवं बालिका वर्ग की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला खेल प्रभारी पदाधिकारी विजय कुमार पंडित एवं खो खो खेल संघ सचिव रामशंकर चौधरी के संयुक्त रूप से किया। मंगलवार की सुबह किला घाट स्थित सीएम कॉलेज में सीएटीसी 15 कैंप का आयोजन कैंप कमांडेंट कर्नल बीके कारला के तत्वाधान में हुआ। सीएम कॉलेज में यह कैंप 24 दिसंबर से चल रहा है। आयोजित इस कैंप के असिस्टेंट कैप्टन मोहम्मद इंसान अली ने ट्रैफिक रैली को हरी झंडी दिखाकर सीएम कॉलेज परिसर से बड़ी संख्या में शामिल होने वाले कैडेटों को यहां से रवाना किया गया। इस रैली में सूबेदार मेजर सुभाष राय, नायक सूबेदार अश्विन कुमार, ट्रेनिंग जेसीओ इंद्रजीत सिंह, बीएचएम लाल काजी प्रधान, टीओ अधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम, टीओ अधिकारी मुकेश कुमार पासवान, टीओ अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता, टीओ अधिकारी मोहम्मद संजील सहित कई पीआई मोहम्मद साजिद इकबाल व अन्य स्टाफ भी मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वही सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से समाज में जागरूकता अभियान चलाने को लेकर के की गई कोशिश की तारीफ किया। कैप्टन मोहम्मद इंसान अली ने बच्चों को बताया कि ट्रैफिक नियमों और उसके बचाव के बारे में, बहुत सारी सड़क सुरक्षा के बारे में भी छात्रों को ज्ञान की बातें बताई गई। बहादुरपुर प्रखंड के कार्यकर्ताओं की बैठक कॉमरेड हरे राम पासवान स्मृति भवन रामनगर के प्रांगण में प्रखंड सचिव अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। बैठक में 8 जनवरी को देशव्यापी आम हड़ताल की तैयारी, गंज छिपलिया में बिना किसी पूर्णवास के ठंड में उजाड़ने के लगातार जारी साजिश, मनरेगा में मजदूरों के काम वे नए साल में जन सवालों पर जन आंदोलन तेज करने को लेकर के विस्तृत चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि आज मोदी सरकार लगातार बढ़ते महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, छिनते रोजगार के मामले में असफल साबित हुई है। हर मोर्चे पर फेल होना और जनता के बीच बढ़ते आक्रोश को भटकाने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक NRP और NCR का खेल खेल रही है। उर्दू बाजार स्थित जिला मुहर्रम कमेटी के महासचिव रुस्तम कुरैशी के आवास पर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान समिति के बैनर तले बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की ओर से लाई गई CAA और NRC बिल के विरोध में वे इसे वापस लेकर के जाएं के लिए एक दिवसीय धरना कार्यक्रम को लेकर के एवं उसे सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई।
उक्त बैठक में दरभंगा के प्रमुख लोगों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आगामी 2 जनवरी 2020 को एक विशाल एक दिवसीय धरना दरभंगा के टावर चौक स्थित गांधी जी की प्रतिमा के सामने दिया जाएगा। समिति के सदस्यों ने दरभंगा की अमन पसंद जनता से आग्रह किया है कि उक्त धरना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर धरना को सफल बनाने का काम करें, अपनी भूमिका से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के अपना अपना योगदान अवश्य दे। इस बैठक में पूर्व पार्षद नफीसुल हक रिंकू, जिला मुहर्रम कमेटी के महासचिव रुस्तम कुरैशी, पार्षद मोहम्मद सियासत अली, पूर्व पार्षद अनवर अली आदि मौजूद थे। मिथिलेश में सिविल सर्जन मधुबनी के सेवानिवृत्त तथा वर्ष 2019 के अंतिम दिन जन्म देने वाली 10 माताओं की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बधाई संदेश एवं फलदार पौधा एवं बच्चों को वस्त्र भेंट करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रश्मि वर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS मधुबनी, डॉक्टर SP सिन्हा, SCMO मधुबनी, डॉक्टर AN झा, डॉक्टर RK सिन्हा, CDO मधुबनी, डॉक्टर अजय नारायण प्रसाद, जिला मलेरिया पदाधिकारी मधुबनी, डॉक्टर प्रमोद कुमार झा, MSC यूनिसेफ, वीना कुमारी परामर्शी महिला हेल्पलाइन समेत अन्य लोग उपस्थित थे। सिविल सर्जन मधुबनी एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा ग्राम परसा निवासी मालती कुमारी, भुआरा निवासी सैमुल निशा, भक्षी निवासी रूमा कुमारी, मधुबनी निवासी रजीला खातून, सतमा निवासी नशीमा खातून जुड़वा, सलेमपुर निवासी रेणु देवी, सतमा निवासी सविता देवी, गौसनगर निवासी गुलशन खातून, भदुला निवासी रिंकू देवी, मधुबनी निवासी सरिता देवी समेत कुल 10 माताओं को 11 बेटी को जन्म देने हेतु सम्मानित किया गया। उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई, साथ ही माताओं को बच्चों के लालन पालन शिक्षित बनाने तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ लेकर के नियमित टीकाकरण कराने हेतु अनुरोध किया गया। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।